गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सिविक्स का जो पहला चैप्टर है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्लास 8th का सिविक्स पहला चैप्टर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो पढ़ने जा रहे हैं। दो तीन लेक्चर्स में इसको हम पूरा कर लेंगे। अब तक हमने रिसोर्स का जो चैप्टर था वो कंप्लीट हमने कर लिया है। उस बीच में हमने ग्लोब के बारे में और इंडिया साइज एंड लोकेशन के बारे में पढ़े हैं। अब इस चैप्टर में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको पता है कि संविधान, भारतीय संविधान के बारे में हम इस चीज में पढ़ेंगे। इसके मेन फीचर्स क्या क्या है और कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, कि किस चीज से स्टार्ट होता है और इसके जो जो है सॉरी होता क्या है और इसकी कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों पड़ती है, ये हम इसमें पढ़ेंगे। इसीलिए इस चैप्टर में जो है मैं गवर्नमेंट का एक अलग से टॉपिक करवा रहा हूँ। क्यों? जब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स पढ़ेंगे तो उसमें जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट क्या होती है, लेवल, इसके टाइप कौन कौन से होते हैं, तो उसमें बड़ा हेल्पफुल रहेगा। इसलिए मैं गवर्नमेंट का टॉपिक पहले क्लियर करवा रहा हूँ कि गवर्नमेंट क्या होती है। आप एवरीडे लाइफ में आप सुनते आ रहे हैं कि गवर्नमेंट ने ये गवर्नमेंट एडेड स्कूल है, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने ये काम अच्छा नहीं किया, सरकार ने ये काम गलत किया, सरकार ने ये फैसला गलत लिया, इस प्रकार से। तो सबसे पहले अगर हम गवर्नमेंट समझेंगे, गवर्नमेंट क्या होती है, सरकार। अब सरकार किसे कहते हैं, तो डेफिनेशन क्या होती है, एन ऑर्गेनाइजेशन। क्या होती है गवर्नमेंट, एक संस्था होती है। क्या होती है, एक संस्था होती है और ये क्या करती है, विच टेक्स क्या लेती है, देखते क्या, विच टेक्स पॉलिटिकल डिसीजन लेता है। किस लिए लेता है, टू रन अ कंट्री। आई होप समझ में आ गया, बिल्कुल इजी डेफिनेशन है। एन ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी संस्था जो कि कैसे निर्णय लेती है, राजनीतिक निर्णय लेती है। क्यों लेती है भाई, टू रन अ कंट्री, किसी भी देश को चलाने के लिए एक ऐसी संस्था जो राजनीतिक निर्णय लेती है उसको गवर्नमेंट बोला जाता है। आई होप आगे से आप कोई पूछे कि सरकार क्या है, किसे कहते हैं, तो आप आसानी से आप हिंदी में भी उसको बता सकते हैं कि एक ऐसी संस्था जो देश चलाने के लिए राजनीतिक निर्णय लेती है उसको बोला जाता है सरकार। समझ में आ गया। अब उसके साथ साथ अब इसके टाइप्स पढ़ते हैं कि टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट कौन कौन से होते हैं। तो टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट पहला है डेमोक्रेसी। ये मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो फीचर्स करेंगे उसमें थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। डेमोक्रेसी और मोनार्की तो कौन कौन सी होती है, एक तो डेमोक्रेसी होती है और एक होता है मोनार्किल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट टाइप। दो टाइप्स होते हैं, पहला इसमें देख रहे हैं डेमोक्रेसी होता है, मोनार्की होता है। अब डेमोक्रेसी क्या होते हैं, डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट, है ना, गवर्नमेंट का टाइप पढ़ते हैं। तो डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट इन विच जिसमें पीपल इलेक्ट देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव। क्या होती है गवर्नमेंट, इन विच पीपल चूज देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव्स एंड दीज रिप्रेजेंटेटिव आर रिस्पॉन्सिबल टू द सिटीजन्स। क्या होती है गवर्नमेंट जो है, सॉरी डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट इन विच, एक लोकतंत्र एक ऐसी सरकार होती है जिसमें लोगों को अधिकार होता है अपने खुद के रिप्रेजेंटेटिव चुनने का। और जब ये रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं, इलेक्ट करते हैं, तो ये जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं क्या होते हैं, सिटीजन्स के प्रति उत्तरदायी होते हैं, जवाबदेह होते हैं जिसको बोलते हैं, कि इन्होंने इलेक्ट किया तो इनकी जवाबदेह किसकी बनती है, रिप्रेजेंटेटिव की बनती है कि वो जो सिटीजन है, नागरिक, वो क्या करें, उनके प्रति जवाबदेह हो। एक छोटी सी डेफिनेशन है जो कि
इब्राहिम लिंकन ने दी है, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल। इजीएस्ट डेफिनेशन है ये लोकतंत्र की, क्या है कि गवर्नमेंट जो है लोगों की, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा, लोगों की, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा चुनी सरकार क्या होती है, लोकतंत्र होती है। अब हिंदी में क्या बोलते हैं, लोकतंत्र, लोकतंत्र, लोक मीन्स शासन और तंत्र, सॉरी लोक मीन्स लोक और तंत्र मीन्स शासन। तो क्या होता है लोकतंत्र, लोगों का शासन, उसको बोलते हैं लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। आई होप समझ में आ गया डेमोक्रेसी क्या होती है। क्या पढ़ रहे हैं, टाइप्स, कितने प्रकार की कितने तरह की सरकारें होती है वो देख रहे हैं। अब आते हैं मोनार्की। मोनार्की क्या होती है, मोनार्क मीन्स किंग्स, मोनार्क मीन्स क्या होता है, किंग्स एंड क्वींस। तो मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है, इन मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द किंग्स एंड क्वींस हैज राइट टू रन अ कंट्री विद द हेल्प ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, समझ में आ गया। मोनार्की क्या होती है, गवर्नमेंट इन विच किंग्स और क्वींस हैज राइट टू रन अ कंट्री, मतलब राजा और रानी के पास अधिकार होता है देश को चलाने के लिए, किसके, विद द हेल्प ऑफ मिनिस्टर्स। इसमें और जोड़ देते विद द हेल्प ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं, मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं। अब तीसरा टाइप नहीं है लेकिन वो इसमें ले लेते हैं, डिक्टेटरशिप। क्या होती है डिक्टेटरशिप, एक तरह की एक और होती है जिसको तानाशाही बोलते हैं, तानाशाह। तानाशाही क्या होती है कि इसमें जो मिलिट्री कमांडर होता है वो क्या करता है, जबरन विद द हेल्प ऑफ हिज ट्रूप्स, है ना, आर्मी की सहायता से वो क्या कर लेता है, किसी देश को चलाने लग जाता है और सारी पावर अपने हाथ में ले लेता है, उसको बोलते हैं डिक्टेटरशिप। आई होप आपको समझ में आ गया कि जो गवर्नमेंट है वो कौन कौन से हैं और क्या क्या टाइप्स होते हैं। अब बात करते हैं लेवल की, लेवल, ठीक है, लेवल सरकार के कौन कौन से लेवल होते हैं, मतलब स्तर। तो पहला आता है सेंट्रल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट या लोकल, लोकल लिख देते हैं ना। तो सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट होती है, स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट होती है और लोकल लेवल के ऊपर गवर्नमेंट होती है। क्या पढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट के लेवल पढ़ रहे हैं। जो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होती है, द गवर्नमेंट विच वर्क एट सेंट्रल लेवल, द गवर्नमेंट विच वर्क एट सेंट्रल लेवल, जैसे इंडियन गवर्नमेंट, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट बोला जाता है, केंद्र सरकार। ऐसी सरकार जो कहाँ पे काम करती है, किस स्तर पे काम करती है, केंद्र स्तर के ऊपर काम करती है, उसको बोलते हैं। और इसी प्रकार से द गवर्नमेंट विच वर्क एट स्टेट लेवल, जो सरकार, जो ऑर्गेनाइजेशन और जो राजनीतिक स्टेट लेवल के ऊपर राजनीतिक निर्णय लेता है उसको स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं। और इसको बोलते हैं गवर्नमेंट विच वर्क एट लोकल लेवल, लोकल लेवल। ये होते हैं लेवल ऑफ गवर्नमेंट। और जहां पे इस तरह की मतलब एक से अधिक जो लेवल मिलते हैं जिस भी देश में, उसको क्या बोलते हैं, फेडरल बोलते हैं, फेडरल स्टेट बोला जाता है, फेडरल कंट्री उसको बोला जाता है। और ये जो आइडिया होता है उसको बोलते हैं फेडरलिज्म। तो फेडरलिज्म क्या होता है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि एक मेन फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, क्या है, फेडरलिज्म। फेडरलिज्म क्या होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, मतलब जहां पर एक से अधिक लेवल होते हैं सरकार के उसको बोलते हैं फेडरलिज्म। तो ये लेवल हमने पढ़ा, सरकार गवर्नमेंट के लेवल हमने पढ़े। अब पढ़ने जा रहे ऑर्गन, ऑर्गन, ऑर्गन मीन्स अंग, सरकार के कौन कौन से मुख्य अंग होते हैं, अंग देखते हैं। तो एक होता है लेजिस्लेचर। अब लेजिस्लेचर क्या होता है, लेजिस्लेचर, दूसरा एग्जीक्यूटिव और थर्ड जो होता है जुडिशरी।
ये तीन लेवल होते हैं किसके, सरकार के। सरकार के तीन लेवल होते हैं, विधान पालिका या विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। एज लेजिस्लेचर क्या होता है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। अब किसको बोलते हैं लेजिस्लेचर, इलेक्टेड इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। जितने भी हमारे चुने रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो कौन होते हैं, लोकसभा मेंबर्स, राज्यसभा मेंबर्स, ठीक है, ये सारे क्या होते हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। या विधानसभा में जो होते हैं ना, लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती है उसमें स्टेट लेवल पे देखते हैं, तो जितने भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है वो क्या करते, वो होती है लेजिस्लेचर। और ये क्या करती है, इसको पार्लियामेंट भी इसमें आ जाता है, पार्लियामेंट वो अलग से अभी टॉपिक समझाऊंगा, ठीक है। तो लेजिस्लेचर क्या होता है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। एग्जीक्यूटिव क्या होता है, स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग लॉज एंड इम्प्लीमेंटिंग लॉ, ठीक है। स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग लॉ, मतलब लोगों का एक छोटा सा समूह जो कोई भी लॉ बनता है उसको इम्प्लीमेंट मीन कार्यान्वित करने में जो है उत्तरदायी होती है, उसको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव। और थर्ड आता है आपका जुडिशरी। जुडिशरी क्या होती है, सिस्टम ऑफ कोर्ट, सिस्टम ऑफ कोर्ट्स इन अ कंट्री, इसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ कोर्ट्स इन अ कंट्री। न्यायालयों की जो प्रक्रिया है देश में उसको बोला जाता है जुडिशरी। अब न्यायालय बात करें, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है, हाई कोर्ट्स और सबऑर्डिनेट कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये आते हैं। ये क्या होती है, ये जो सिस्टम है, क्या ये जो सिस्टम है जुडिशरी का, उसको बोलते हैं कोर्ट्स का जो है इसका जो, इस प्रकार से ले सकते हैं, सेंट्रल पे सुप्रीम कोर्ट आता है ना, ये यहाँ पे स्टेट लेवल पे ये पास करता है ऑर्डर, यहाँ पे जाता है स्टेट गवर्नमेंट, इसको स्टेट कोर्ट्स इसको पास, हाई कोर्ट इसको करते हैं, और ये इसे इस प्रकार से जो सिस्टम ऑफ कोर्ट्स है उसको बोला जाता है जुडिशरी। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। ये हम गवर्नमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं क्या क्या है। अब जो है जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, डेमोक्रेसी जो होती है उसके फॉर्म्स देखते हैं। जो डेमोक्रेसी होती है उसके दो फॉर्म्स होते हैं, रूप है ना, लोकतंत्र के दो रूप होते हैं, और वो कौन कौन से होते हैं, एक होता है पार्लियामेंट्री, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिसको बोला जाता है संसदीय सरकार। अब इसमें क्या होता है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट इज सुप्रीम, पार्लियामेंट इज सुप्रीम। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो संसद है वो सुप्रीम होती है, सबसे बड़ी होती है। और ये क्या होती है, पार्लियामेंट लॉ मेकिंग बॉडी, लॉ मेकिंग बॉडी इन अ कंट्री। देश में कानून कौन बनाता है, पार्लियामेंट बनाता है, इसलिए लॉ मेकिंग बॉडी कौन सी है, पूरे देश में जो भी कानून बनाता है कौन बनाती है, पार्लियामेंट बनाती है। अब पार्लियामेंट जो, हाँ पार्लियामेंट के बारे में बता देता हूँ, पार्लियामेंट जो होती है उसमें जो हाउसेज हैं, दो मुख्य हाउसेज हैं, एक तो लोकसभा, दूसरा आता है आपका राज्यसभा, राज्यसभा, ये क्या है, हाउसेज है पार्लियामेंट के। अब जो लोकसभा है मैक्सिमम मेंबर कितने होते हैं, 545, जिसको एमपीज बोला जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोला जाता है। और पूरे भारत से 545 मैक्सिमम जो है इलेक्ट होके आते हैं, वैसे मैक्सिमम हो कितने सकते हैं, 552, ठीक है, 552 मैक्सिमम हो सकते हैं, मिनिमम 543 हम उसमें रख सकते हैं, ठीक है। इसमें दो जो है राष्ट्रपति,
नॉमिनेट करता है जो कि एंग्लो इंडियन होते हैं। कौन होते हैं? एंग्लो इंडियन होते हैं, ठीक है। अब राज्यसभा की बात करें, 250 मैक्सिमम हो सकते होते हैं और 238 मिनिमम होते हैं, और इसमें जो है 12 जो है राष्ट्रपति क्या करता है, नॉमिनेट करता है। वो स्पोर्ट्समैन भी हो सकता है, फिजिशियंस भी हो सकता है, केमिस्ट्री, रसायन, भौतिक विज्ञान, उसमें कोई महत्वपूर्ण काम जो साइंटिस्ट हो सकता है उन्होंने काम किया हो, वो राज्यसभा में उसको मनोनीत करता है। मैक्सिमम 5 साल की इसकी क्या होती है, टर्म्स होती है, और ये बनती है 6 ईयर। इसका जो मेंबर होता है वो 6 साल के लिए चुना जाता है। इसका ऊपर अलग से टॉपिक बनाऊंगा, ठीक है। हाँ, अब मैं क्यों बता रहा हूँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट क्यों है, अब देखते हैं। इन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पीएम, प्राइम मिनिस्टर, पीएम मीन्स प्राइम मिनिस्टर, इज द रियल एंड नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट, ठीक है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है, पार्लियामेंट सुप्रीम होती है, पार्लियामेंट इज द लॉ मेकिंग बॉडी इन आवर कंट्री। इन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर इज द रियल एंड नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट, वास्तविक और नाम मात्र का मुखिया। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में वास्तविक जो मुखिया होता है और रियल हेड, प्राइम मिनिस्टर इज रियल एंड नॉमिनल हेड ऑफ द नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट इज प्रेसिडेंट। यहाँ पे पार्लियामेंट फॉर्म गवर्नमेंट में जो रियल हेड होता है, वास्तविक जो मुखिया होता है देश का, वो कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है, और नाममात्र का जो मुखिया होता है वो कौन होता है, राष्ट्रपति होता है, प्रेसिडेंट होता है। तो आप सपोज कर सकते हैं कहाँ पे ऐसा, इंडिया। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल कहाँ देखने को मिलेगा, इंडिया, ठीक है। अब दूसरा जो फॉर्म है डेमोक्रेसी का वो है प्रेजिडेंशियल, प्रेजिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इन प्रेजिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट प्रेजिडेंट इज द रियल एंड नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट, ठीक है। प्रेजिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो है देश का वास्तविक और नाम मात्र का मुखिया कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है, ठीक है। देयर इज नो प्राइम मिनिस्टर, यहाँ पे देयर इज नो प्राइम मिनिस्टर इन दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इस तरह की जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है उसमें प्रधानमंत्री का कोई भी पद नहीं होता है, क्लियर। एग्जांपल आप देख सकते हैं यूएसए, यूएसए का प्रधानमंत्री आई होप नहीं सुना होगा, कौन होता है वहां पे, राष्ट्रपति होता है। तो ये जो है सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश है, डेमोक्रेटिक कंट्रीज है, इंडिया और यूएसए। यूएसए में किस प्रकार की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक है लेकिन यूएस डेमोक्रेटिक कंट्रीज है दोनों, लेकिन यहाँ पे किस प्रकार की है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, और इसमें क्या होता है, देयर इज नो प्राइम मिनिस्टर एंड द प्रेसिडेंट इज द रियल एंड नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट। और भारत में क्या है, संसदीय शासन प्रणाली है, यहाँ पे क्या है, प्राइम मिनिस्टर इज द रियल हेड एंड नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट इज प्रेसिडेंट। आई होप ये आपको क्लियर हो गया है। तो ये मैंने अभी टॉपिक क्यों करवाया है, क्योंकि अगला जो जो चैप्टर हमारा जो हम कर रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें ये सारी चीजें आप इजीली आप उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे। आई होप यहाँ तक आप, गवर्नमेंट क्या होती है, लेवल कौन कौन से हैं, टाइप्स कौन कौन से हैं, डेमोक्रेसी के फॉर्म्स कौन कौन से हैं, और ऑर्गन कौन कौन से, उन ऑर्गन की डेफिनेशन हमने देखी है। नेक्स्ट वीडियो में हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, कांग्रेस ने पहली बार डिमांड, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट की डिमांड कब रखी, क्यों रखी, क्या रीजन थे, ये सारी चीजें हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक थैंक यू।